दोस्तों आज का एपिसोड केरला के कोल्लम जिले से है। कोल्लम में एक म्यूजिक टीचर रहते हैं जिनका नाम प्रशांत नाम्बियार होता है। प्रशांत की उम्र 35 साल में थी। वैसे तो प्रशांत कोझिकोड जिले के बटकारा के मूल निवासी है, लेकिन प्रशांत पलक्कड़ के एक प्राइवेट स्कूल में म्यूजिक टीचर है, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ कोल्लम के पलक्कड़ जिले में रहते हैं। प्रशांत की शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी, यह एक खुशहाल परिवार था। 17 मार्च 2020 के प्रशांत अपनी पत्नी को अचानक से कहते हैं कि तुम एक हफ्ते के लिए बच्चे के साथ मायके चले जाए। पत्नी यह बात सुनकर बहुत हैरान होती है कि कोई प्लान नहीं है, अचानक से मायके जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। लेकिन वह बहुत खुश भी हो जाती है और 17 मार्च को वह अपने मायके चली जाती है। 17 मार्च की ही रात को प्रशांत नाम्बियार अपना लैपटॉप खोलता है और गूगल में सर्च करता है हाउ टू किल माई वाइफ। प्रशांत अपनी पत्नी को कत्ल करने का तरीका गूगल पर सर्च करता है। उसे वहाँ से बहुत सारे तरीके मिलते हैं और वह एक तरीका सोच लेता है कि वह इसी तरह से अपने जुर्म को अंजाम देगा। फिर वह एक कॉल करता है और कहता है कि तुम कल आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है, और फोन रख देता है। दोस्तों, अगर प्रशांत ने अपनी वाइफ को कत्ल ही करना था तो वह उसको मायके क्यों भेज देता है, और उससे भी बड़ी बात कि उसने मिलने के लिए किसको बुलाया था। दोस्तों, इस केस की पूरी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा, यानी कि कहानी के पिछले हिस्से में। 2019 के मार्च मंथ में प्रशांत के यहाँ बेटे ने जन्म लिया था और मार्च के लास्ट में ही उसका नामकरण होता है। उस नामकरण में प्रशांत और उसकी वाइफ की तरफ से काफी रिश्तेदार आए हुए थे। उनमें से प्रशांत की वाइफ की तरफ से उसके दूर की एक मौसेरी बहन आई थी जिसका नाम था सुचित्रा पिल्ले। सुचित्रा की उम्र लगभग 42 से 45 साल के बीच में रही। सुचित्रा की पहले दो शादियां हो चुकी थी। जब उसकी पहली शादी हुई और वह नाकाम हो गई तो घर वालों ने उसकी दूसरी शादी। सुचित्रा की दूसरी शादी भी अनफॉर्चुनेटली नाकाम रही। उसके बाद सुचित्रा ने फैसला कर लिया कि वह कभी अब दोबारा शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने अपने माता पिता के साथ ही रहने का फैसला किया। सुचित्रा एक बड़े फैशन इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी, अच्छी सैलरी थी, और सुचित्रा के माता पिता भी काफी संपन्न थे। सुचित्रा पहली बार प्रशांत के घर आई थी उसके बेटे के नाम पर, और पहली बार ही उसकी और प्रशांत की मुलाकात इस फंक्शन में हुई। फंक्शन खत्म हो जाने पर सब अपने अपने घर चल जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। सुचित्रा सोशल मीडिया यूज करती थी और प्रशांत भी फेसबुक पर काफी एक्टिव रहता था। फिर इसी दौरान प्रशांत और सुचित्रा दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हो जाती है। चूंकि बेटे के नामकरण में दोनों मिल चुके थे और सुचित्रा उसकी वाइफ के रिश्ते में थी, दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। एक दूसरे से मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत करना शुरू करते हैं। थोड़े ही वक्त के बाद दोनों ने एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया और अब प्रशांत और सुचित्रा की बातचीत फोन पर बोलने लगी। एक या दो महीने निकलने के बाद सुचित्रा और प्रशांत में प्यार हो जाता है, जबकि सुचित्रा प्रशांत से उम्र में लगभग 10 से 12 साल बड़ी थी। वक्त निकलता है, अब प्रशांत और सुचित्रा मिलने का प्लान बनाते हैं। प्रशांत म्यूजिक टीचर था और जहाँ पर वह अपनी फैमिली के साथ रहता था वहाँ पर ज्यादातर लोग उसको जानते थे, तो वह सुचित्रा से अपने घर या उसके आसपास के एरिया में मिलने का सोच भी नहीं सकता था। इसके लिए प्रशांत ने एक तरकीब सोची। प्रशांत ने पलक्कड़ के श्री राम नगर में एक कमरा मंथली रेंट पर लिया और यह घर आबादी वाले क्षेत्र से बिल्कुल अलग थी, लगभग जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते जाते थे। यह घर प्रशांत को सही अपने और सुचित्रा की मुलाकात के लिए। अब प्रशांत उस कमरे पर सुचित्रा को मिलने के लिए बुलाता था। चूंकि सुचित्रा पलक्कड़ में नहीं रहती थी, वह अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर में रहती थी, तो सुचित्रा प्रशांत से मिलने के लिए श्रीराम नगर अक्सर आती थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। सब कुछ प्रशांत के प्लान के मुताबिक चल रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सुचित्रा के माता पिता बहुत संपन्न थे और सुचित्रा की वेल पेइंग जॉब थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, और प्रशांत इसका पूरा फायदा उठा रहा था। सुचित्रा से अब तक 3 लाख रुपए ले चुका था उधार के तौर पर। एक दिन जब सुचित्रा प्रशांत से मिलने के लिए श्रीराम नगर वाले कब्बे पर आई तो उसने प्रशांत से कहा कि हमारी शादी तो नहीं हो सकती क्योंकि तुम शादीशुदा हो और मैं तुमसे 10 साल बैठेंगी, तो हमारी शादी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए और वह बच्चा मुझे तुमसे चाहिए। मैं तुमसे शादी करने का दावा कभी नहीं करूँ, लेकिन मुझे एक बच्चा जरूर चाहिए। यह बात सुनकर प्रशांत नाम्बियार एकदम घबरा गए, क्योंकि अगर बच्चा होता तो
बाद में मैं भी सुचित्रा क्लेम कर सकती थी कि मुझे बच्चे के बाप का नाम भी चाहिए, तो प्रशांत का सच सबके सामने आ जाता। अब प्रशांत थोड़ा परेशान रहने लगा, वह सुचित्रा को टालने लगा। जब भी सुचित्रा इस टॉपिक के बारे में बात करती तो वह इस बात को टाल देता था। सुचित्रा से 3 लाख रुपए भी उसने ले रखे थे और इतने पैसे उसके पास थे नहीं कि वह एक साथ इन पैसों को लौटा सके। और अगर सुचित्रा ने अपना मुंह किसी के भी सामने खोल दिया तो उन दोनों के रिश्ते का सच भी बाहर आ जाता और सब कुछ खराब हो जाता। प्रशांत को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन वह इतना जान चुका था कि वह बुरी तरह से फंस चुका है। लेकिन सुचित्रा लगातार उसको फोन करके इस बच्चे वाली बात का दबाव बना रही। प्रशांत ने अपनी वाइफ को 17 मार्च 2020 को मायके भेज दिया और उसी रात उसने गूगल में सर्च किया कि हाउ टू किल माय वाइफ। उसने यह सर्च किया और उसको रास्ता भी मिल गया, लेकिन उसका यह सर्च गूगल इंजन के सर्च हिस्ट्री में जाकर रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी कि सेव हो गया। प्रशांत ने सुचित्रा को कॉल करके बताया कि मेरी वाइफ मायके गई है और हम 2-3 दिन तक साथ रह सकते हैं। सुचित्रा फैशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे अपने फैशन इंस्टीट्यूट की तरफ से 3 दिन के लिए किसी दूसरे शहर भेजा जा रहा है, वहाँ पर एक लेक्चर है। यह कहकर सुचित्रा 17 मार्च की शाम को अपने घर से निकल गई और 18 मार्च 2020 को कोल्लम के पलक्कड़ के श्रीराम नगर वाले कमरे पर पहुँच जाते हैं। 18 और 19 मार्च को सब ठीक था, दोनों साथ में वक्त बिताते हैं, लेकिन 20 मार्च की रात के लगभग 2 बजे प्रशांत चुपचाप उठकर बाहर की तरफ गया और वापस आया तो उसके हाथ में इमरजेंसी लाइट का कोड वायर था। सुचित्रा इस वक्त गहरी नींद में थी। प्रशांत ने वायर को सुचित्रा के गले में डाला और उसके सीने पर बैठ गया। प्रशांत ने कोड वायर के दोनों सिरों को तेजी से खींचना शुरू किया। सुचित्रा ने विरोध किया लेकिन वह कुछ कर नहीं पाई। प्रशांत ने वह तार तब तक खींच कर रखा जब तक कि सुचित्रा की मौत नहीं हो गई। प्रशांत ने सुचित्रा को चेक किया कि वह पूरी तरीके से मरी है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि वह मर चुकी है तो उसने सुचित्रा की डेड बॉडी पर एक चादर डाल दी और अब वह बैठकर सोचने लगा कि आगे कैसे और क्या करना है। उसने फिर से गूगल बाबा की मदद ली। इस बार उसने सर्च किया हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ डेड बॉडी, यानी कि एक मरी हुई इंसान को ठिकाने कैसे लगाएं। उसका यह सर्च भी गूगल इंजन की हिस्ट्री में सेव हो गया, लेकिन उसको गूगल बाबा से आगे का रास्ता मिल गया था। प्रशांत ने सुचित्रा की बॉडी के 4 टुकड़े किए और उसी घर में जहाँ वह दोनों मिलते थे उसके पिछले हिस्से में एक गड्ढा खोदा। सुचित्रा की बॉडी के ऊपर जो गहने थे उसको उतार कर रख लिया और बॉडी को गड्ढे में डालकर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। जहाँ वह घर था उसके आसपास कोई भी घर नहीं था, तो किसी को भी बदबू या फिर किसी तरह का शक होने का सवाल ही नहीं था। जब बॉडी जल गई तो उस पर मिट्टी डालकर उसके ऊपर से उसने पास में पड़े पत्थरों से उस जगह को ढक दिया। यह काम खत्म करने के बाद वह वापस घर के अंदर आ और सुचित्रा का मोबाइल जो कि बंद था। सुचित्रा का मोबाइल बंद इसलिए था क्योंकि प्रशांत ने सुचित्रा को श्री रामनगर पहुँचने से पहले ही कहा था कि तुम अपना फोन बंद कर दे, अदरवाइज तुम्हारे घर वालों को या फिर इंस्टीट्यूट वालों को तुम्हारे फोन लोकेशन से पता चल सकता है कि तुम कहाँ। इसलिए सुचित्रा ने श्रीरामनगर कोल्लम पलक्कड़ पहुँचने से पहले ही अपना फोन बंद कर दिया। अब उसका फोन तब से ही बंद था। प्रशांत ने सुचित्रा का फोन लिया और उस घर से 85 किलोमीटर दूर त्रिशूर ले गया। वहाँ मनथी पुलिस स्टेशन के पास सुचित्रा का फोन कुछ देर के लिए ऑन किया और 15 से 20 मिनट तक उस फोन को ऑन रखा। उसके बाद उसने सुचित्रा के मोबाइल और सिम कार्ड को अच्छी तरह से तोड़कर पास के एक नाले में फेंक दिया और वापस श्री राम नगर वाले मकान में आ गए। दोस्तों, मोबाइल या सिम कार्ड त्रिशूर में फेंकने का मकसद यह थी जब सुचित्रा के घर वाले या पुलिस वाले उसको ढूंढे तो उसके फोन की लास्ट की लोकेशन त्रिशूर में हुई और पुलिस आसानी से गुमराह हो जाए। आज श्री राम नगर वाले मकान में वापस आने के बाद प्रशांत ने कमरे को अच्छी तरह से धोया, अपने कपड़े, सुचित्रा के हैंडबैग, उसके पर्स मैट्रिक और उसने जो एक्स्ट्रा कपड़े वो अपने साथ लाई थी उसको लेकर घर के पीछे की तरफ गया और उनको जला दिया। जलाने के बाद इन सब की राख को इकट्ठा किया और एक गड्ढा खोदकर उस राख को उस गड्ढे में ढक दिया और ऊपर से पत्थर रखकर उस जमीन को ढक दिया। इसके बाद उसने जिस चाकू और वायर की मदद से सुचित्रा को मारा था उसको एक नाले में फेंक दिया और जिस फावड़े से उसने खुदाई की थी उसको अपने घर जाते हुए झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। अब फिर अपने घर चला जाता है। 22 मार्च निकल गया और सुचित्रा अपनी फैमिली के पास नहीं पहुंची तो उसके घर वालों ने यानी कि सुचित्रा के माता पिता ने उसको फोन किया, लेकिन सुचित्रा का फोन लगातार बंद आ रहा था। लेकिन जब फोन नहीं मिला और सुचित्रा 22 मार्च तक लौट कर नहीं आई तो फिर वह 23 मार्च को सुचित्रा जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती वहाँ पर गए और वहाँ पर पता किया कि सुचित्रा को उन लोगों ने किस शहर भेजा है और कब तक आए। लेकिन जब वह उस फैशन
इंस्टीट्यूट में पहुंचे, सुचित्रा की फैमिली को पता चला कि इंस्टीट्यूट वालों ने सुचित्रा को कहीं नहीं भेजा और यह बात सुनकर सुचित्रा के माता पिता बेहद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सुचित्रा का फोन बंद आ रहा था और वह क्या कर गई थी, वह 22 मार्च तक वापस आ जाए, लेकिन आज 23 मार्च हो चुकी थी और वह वापस नहीं लौटी। इस बात से परेशान सुचित्रा के माता पिता नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाते हैं कि उनकी बेटी 17 मार्च को घर से झूठ बोल कर गई थी कि इंस्टीट्यूट की तरफ से जा रही है और 22 मार्च को लौट आएगी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस को मामला गड़बड़ लगा, पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले सुचित्रा की फोन की लोकेशन सर्च की। सुचित्रा के फोन की लोकेशन त्रिशूर की। पुलिस की एक टीम उस लोकेशन पर भी गई जहां पर उसके फोन की आखिरी लोकेशन थी, लेकिन उस पुलिस स्टेशन के पास से भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। यहां पर प्रशांत अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो गया था। फिर पुलिस ने सुचित्रा की कॉल डिटेल्स निकाली। कॉल डिटेल्स में पुलिस को प्रशांत का नंबर मिला। चूंकि प्रशांत और सुचित्रा लगातार बात करते थे और बहुत ही लंबी लंबी बातें किया करते थे, तो पुलिस ने CDR के साथ साथ सुचित्रा के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगालना शुरू किया। यहाँ पर भी प्रशांत की मौजूदगी मिली। पुलिस को पूरा शक हो गया कि प्रशांत ही है जो सुचित्रा के साथ रिश्ते में था और कहीं न कहीं यह केस प्रशांत से लिंक कर रहा था। पुलिस ने प्रशांत को थाने बुलाया और पूछताछ की, लेकिन यहाँ पर भी प्रशांत पहले से अपनी तैयारी करके बैठा। उसने अपने फोन से सुचित्रा का नंबर, उसकी कॉल हिस्ट्री, सोशल मीडिया के मैसेजेस सब कुछ डिलीट कर दिया था, क्योंकि प्रशांत पहले ही अपने फेसबुक के मैसेजेस और अपने फोटोज वगैरह सब डिलीट कर चुका था। प्रशांत के मोबाइल से भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस मजबूरन प्रशांत को छोड़ देती है। अब इसके बाद पुलिस ने इस केस में फोरेंसिक की मदद लेने का फैसला किया। उसने प्रशांत के मोबाइल का सारा डेटा रिट्रीव करने का फैसला किया। अब पुलिस को प्रशांत के मोबाइल से सुचित्रा और प्रशांत की कुछ फोटोज, व्हाट्सएप की चैट्स और सारी कॉल डिटेल्स मिल जाती है। पुलिस ने प्रशांत को उठाया और सख्ती से पूछताछ की, लेकिन प्रशांत अब भी अपने बयान पर कायम था। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि जो डेटा मिला था उस मोबाइल से उन दोनों के रिश्ते का सच तो पता चल गया था, लेकिन कत्ल प्रशांत ने किया है इसका कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने फिर से फोरेंसिक की मदद ली और प्रशांत के लैपटॉप का डेटा निकलवाया। यहाँ पर प्रशांत फंस गया। प्रशांत के गूगल सर्च इंजन में हाल ही में किए गए जितने भी सर्च थे उस पर फोरेंसिक ने काम करना शुरू किया और 17 मार्च को जो कि प्रशांत ने सर्च किया था हाउ टू किल माय वाइफ एंड 20 मार्च को उसने सर्च किया था हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी, यह सब जब फोरेंसिक वालों ने रिट्रीव किया तो सारा डेटा पुलिस के सामने आ गया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल के सर्च इंजन की हिस्ट्री में वो सारी चीजें सेव हो जाती हैं जो हम गूगल पर सर्च कर रहे हैं और उसको कभी भी आपकी सर्च की हुई डिवाइस के थ्रू निकाला जा सकता है। जब फोरेंसिक में प्रशांत के हाल की सर्च की हुई गूगल हिस्ट्री निकाला तो उसमें डेट मैच हो गई। प्रशांत ने 17 मार्च को सर्च किया हाउ टू किल माई वाइफ और 18 मार्च को सुचित्रा से मिला और 20 मार्च को उसने सर्च किया हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ डेड बॉडी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि यह कत्ल प्रशांत ने ही किया है। प्रशांत से फिर से पूछताछ हुई, लेकिन प्रशांत भी अपने पुराने वाले बयान पर अड़ा हुआ था। पुलिस ने प्रशांत की वाइफ से बात करने का फैसला किया और उससे मारे जाने की वजह पूछी। अब पता चला कि प्रशांत ने ही अपनी वाइफ को 17 मार्च को जबरदस्ती मारे भेजा था। पुलिस ने प्रशांत की वाइफ की मारे जाने के बाद की एक्टिविटी का पता करना शुरू किया। पलक्कड़ में एक शॉपकीपर ने बताया कि वह अक्सर श्रीराम नगर के लिए यहाँ से ऑटो लेता था। पुलिस को जब श्रीराम नगर वाली बात पता चली तो पुलिस श्रीराम नगर पहुंची। वहाँ पर प्रशांत की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ किया। चूंकि श्रीराम नगर का जो एरिया है या क्षेत्र पर बहुत बड़ा नहीं, पुलिस को वहाँ पर पता चला कि प्रशांत ने श्रीराम नगर में एक रूम रेंट पर दे रखा था। पुलिस हैरान हो गई कि वह अपनी फैमिली के साथ पलक्कड़ में रहता था। पुलिस उस रूम पर पहुंचती है, रूम बिल्कुल साफ सुथरा था। पुलिस ने घर के चारों तरफ चेक किया तो पिछले हिस्से में ताजा खुदाई की हुई दो जगह है। पुलिस ने वहाँ खुदाई करवाई तो पता चला कि वहाँ पर गड्ढे में जली हुई हड्डियों के कुछ अंश है और दूसरे गड्ढे में जले हुए कपड़े और अजीबी कुछ सामान के अंश मिले। पुलिस ने उन हड्डियों का DNA सुचित्रा के माता पिता के DNA से मैच करवाया और DNA मैच हो गया। अब पुलिस ने प्रशांत से पूछताछ की और उसकी सारी सच्चाई बाहर आ गई। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। पोलैंड की अदालत ने प्रशांत को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक प्रशांत अब भी जेल में ही है। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।